28 साल से एक सवाल ने सबको तंग किया हुआ था, सब बेसब्री से उस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे थे, और वो सवाल है कटप्पा ने आखिर बाहुबली को क्यों मारा। और ये इंतजार खत्म हुआ, बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली द कंक्लूजन आ गई है, लेकिन इस साल की सबसे महंगी और भव्य फिल्म ये कहलाई जाएगी। 250 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है, और यहाँ तक कि एक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाली एक साइट बुक माई शो ने यह भी दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर इस फिल्म के करीब 10 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। और अंदर फिलहाल शो चल रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो बेसब्री से बाहुबली का इंतजार कर रहे थे। बाहुबली का आप इंतजार कर रहे थे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अब क्या हुआ? टिकट्स नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, हम बहुत टेंशन में, धूप बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पे, हम सब टेंशन में कि क्या होगा, क्यों मारा एक्चुअली बाहुबली को, क्यों मारा। इसमें पहली फिल्म में प्रभास थे, लेकिन इस फिल्म में जो है प्रभास और राणा दग्गुबाती दोनों है, दोनों ही बहुत जबरदस्त फिजिक वाले हैं, तो क्या ज्यादा मजा आएगा? हाँ, हम लोग के ऐसे फिजिक वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए हमको देखना है ये सब। तमन्ना भाटिया भी बहुत सुंदर है, तो उनको देखने में तो और सुंदर है। तमन्ना भाटिया तो आप किसके लिए जा रहे हैं? प्रभास, रानू, तमन्ना भाटिया के लिए। हम लड़कों को नहीं देखना चाहेंगे, हम लड़कियों को देखना चाहेंगे। हम तो मूवी में इंटरेस्टेड है बस। हाँ, एक सवाल जो सब इतने वक्त से तंग कर रहा था आप सबको, उसका जब जवाब मिल जाएगा तो खुशी होगी? बहुत ज्यादा खुशी होगी कि इतने टाइम से वेट कर रहे थे हम बाहुबली रिटर्न्स का। एक चैन जैसा मिलेगा कि एक सवाल खत्म हुआ जिंदगी का। चलिए, इनको लगता है कि वो सवाल का जवाब मिलेगा, तो लगेगा कि एक तरह से जो है जिंदगी में से एक सवाल खत्म का जवाब मिलने से जो राहत मिली, वो राहत मिलेगी। इस कदर बेसब्री थी बाहुबली 2 देखने के लिए, और इंतजार में किसी को तो टिकट मिल गया, किसी ने फुर्ती दिखाई, पहले ही टिकट बुक कर लिए, लेकिन अभी जो लोग रह गए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले शो के टिकट्स उन्हें मिल जाए, और इस बात का जवाब मिल जाए कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस समय दिल्ली से कैमरामैन ललन के साथ कोमल शर्मा।